पापा मम्मी बहुत कोऑपरेटिव थे, मुझे कहा कि अगर तुम अच्छा करोगी तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। टाइम था बढ़ा के 8 घंटा, मतलब ठीक है, मतलब अब मेहनत है तो अच्छा लग रहा है। फिर स्वागत करते हैं भाई देवेंद्र सिंह लड्डू। इसी मंच पे आज प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, 10वीं में भी और 12वीं क्लास के भी। हम उन छात्रों से जानकारी लेते हैं कि उनको सम्मान मिला है तो कैसा लगा है, कितने घंटे परिश्रम करने के बाद ये सफलता मिली है, कितने परसेंटेज मिली है, किस स्कूल के पढ़ने वाले हैं या पढ़ने वाली है, क्या उनके मम्मी पापा उस पढ़ाई में सहयोग दिए हैं या नहीं दिए, उन ताकि जो अगला जो एग्ज़ाम होगा 10वीं का और 12वीं का, उन बच्चों को, उन छात्र छात्राओं को एक सीखने का एक संदेश मौका मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, हम छात्र छात्राओं से तरह तरह की जानकारी लेते हैं। चलिए मेरे साथ सिद्धि सारिया। किस क्लास के अभी आज सम्मान मिला? 10th के लिए मुझे। कौन से स्कूल का? सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। कितना आया था परसेंट? 96.2। कैसे आ गया, अचानक चोरी की थी? नहीं नहीं, बहुत मेहनत लगा उसके लिए, 2 सेमेस्टर हम लोग के स्कूल में काफ़ी एग्जाम्स भी हुए जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत भी किया। और कितने घंटा वर्क की थी? लगभग 6 घंटा तो रोज़ हो ही जाता था, एग्जाम्स टाइम था बढ़ा के 8 घंटा। घर से किसका सहयोग ज़्यादा? सभी का सहयोग था, और थोड़ा मतलब सभी का सहयोग था, पापा मम्मी मोटिवेट करते थे कि मतलब अच्छा लाना है। आगे के लिए कुछ सोची है? हाँ, आगे मैंने कॉमर्स लिया है तो मैंने CA करने का सोचा है। ज्योति मोदी। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। कौन सी क्लास में? 10th। कितना आया था? 93.6%। इतना नंबर आने का क्या रीज़न? बस कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। कितने घंटे पढ़ाई की? रेगुलर नहीं था, कभी कम ज़्यादा, लेकिन एग्जाम्स के पहले थोड़ा ज़्यादा था, उसके पहले थोड़ा कम, लाइक नॉर्मल जब छुट्टी था तब 4 आवर्स या उससे थोड़ा कम, एंड लाइक एग्जाम्स के पहले थोड़ा ज़्यादा। और सम्मान मिला जा रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा का बहुत सहयोग रहा है, लाइक मम्मी मेरे को मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए जब मेरा नहीं मन करता था पढ़ने का, सो डेफिनेटली। आयुष झुंझुनवाला। किस क्लास में? अभी 11th में। कौन स्कूल? दिल्ली, अभी 11th में। क्या कौन सी स्कूल से? दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल। कितना आया था परसेंट? 93। ये मार्गदर्शन कैसा है, आपको आने का श्रेय कैसा? मतलब ठीक है, मतलब अब मेहनत है तो। पढ़ाई घर पे कितना घंटा की? मतलब बोर्ड्स के समय था कि 4-5-6 घंटे तक करते थे, उसके बाद कंसिस्टेंट थे शुरू से, तो उसका रिजल्ट। घर से श्रेय किसका जाता है सबसे ज़्यादा मोटिवेट? सभी ने मुझे सपोर्ट किया और सभी ने मतलब साथ दिया पढ़ाई के समय, मतलब सब ने मुझे मोटिवेट भी किया। अद्विता अग्रवाल। 12वीं 10वीं में ये कैसी तैयारी की थी, कितने परसेंट? तैयारी अच्छी थी, मेरे को 94% आए, और जैसे बोर्ड्स की रहता है, जैसे सोचते हम लोग कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जैसे आप नॉर्मल स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं वैसे करेंगे तो आपका अच्छा जाएगा। कौन से स्कूल से? नॉटरडेम एकेडमी। मम्मी पापा का कितना इसमें शेयर रहा? मम्मी पापा काफ़ी शेयर रहा, मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि पढ़ाई करो, उन्होंने अपना आना जाना भी बाहर बंद कर दिया था ताकि मैं ना बाहर जाऊँ, बस इन लोग का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि अगर तुम अच्छा करोगी तुम्हारा भविष्य अच्छा। तमन्ना अग्रवाल। किस क्लास में आप पास? 12th। कामल हाई स्कूल। कितना मार्क्स आया? 98.25%। मार्क्स आने का रीजन क्या है, कैसे पढ़ाई थी? स्ट्रगल किए, लाइक डे नाइट बहुत मेहनत लगा, सारे कम्फर्ट्स को सैक्रिफाइस करना, और टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, और 8 आवर्स ऑफ स्टडी डेली, ये सब बहुत हेल्प रहा। पापा मम्मी का कितने को? पापा मम्मी बहुत कोऑपरेटिव थे पूरे साल, लाइक मम्मी भी सारा काम मेरा कर देती थी, एंड बोलती थी कि सिर्फ तुम पढ़ो एंड ऑल। सम्मान मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है कि जो हम इतने साल से मेहनत किए वो वर्थ था कि हम आज यहाँ पे खड़े हैं।